केंद्र सरकार को संविधान के तहत जो अधिकार है उसी के तहत ये बिल आज पार्लियामेंट में लाया गया, और ये बिल भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान के लिए बनाने के लिए जो समिति बनाई गई उसके चेयरपर्सन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, उनकी भावनाओं के अनुसार ये बिल लाया गया है। ये बिल जिस पर चर्चा हुई, सब लोगों ने अपनी राय रखी, संघीय ढांचे की भी बात, लेकिन यह बिल इस तरीके का संघीय ढांचे में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की अगर बात करें तो पूरी दुनिया के कई देशों में इस तरीके की व्यवस्था है। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, अमेरिका, बहुत से देशों में यह व्यवस्था है, और अमेरिका में तो यह भी व्यवस्था है वॉशिंगटन डीसी में कि वहां कांग्रेस में कोई प्रतिनिधि चुन के भी नहीं जा सकता, और यहां तो हमारे आम आदमी पार्टी के जो सदस्य हैं वो यहां चुनकर आए हैं दिल्ली से। देश की लोकसभा में 7 सदस्य लोकसभा के लिए चुनकर दिल्ली से आते हैं। इस तरीके की व्यवस्था पूरे देश में है, लेकिन यह व्यवस्था जरूरी क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक अपना महत्व होता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसके विकास के लिए पूरे देश के लोग, पूरी दुनिया के लोग राष्ट्रीय राजधानी में रहते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए इस बिल को यहां लाया गया है, और इस बिल से फायदा क्या होगा? इस बिल से दिल्ली में उच्च स्तर पर जो शासन प्रणाली है वो बनाई रखी जा सकेगी। इस बिल से भारत सरकार और दिल्ली सरकार की संयुक्त और सामूहिक जिम्मेवारी और लोगों की जो आकांक्षाएं उन्हें पूरा किया जा सकेगा। इस बिल के माध्यम से राजधानी क्षेत्र में पारदर्शी और प्रशासनिक निर्णय सुनिश्चित करने का काम यह बिल करेगा। माननीय सभापति जी, इस बिल को लेकर हमारे विद्वान वक्ताओं ने, हमारे जेठमलानी साहब ने, सिंघवी जी ने, गोगोई जी ने अपनी बात रखी। मैं लीगलिटीज उनके बारे में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात जरूर मैं थोड़ा समय लूंगा, थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा। समय हमारे पास है और समय भी हमारा है, आने वाला समय भी हमारा है। आपका खत्म हो गया, ये समय भी हमारा, आने वाला समय भी हमारा है, इसकी चिंता आप मत कीजिए। माननीय सभापति जी, मैं कई बार चर्चा करता हूं, मुझे भी एक बार इस देश की लोकसभा का सदस्य रहने का मौका मिला, वो दौर 2000, वो पार्टी वो थी जब भ्रष्टाचार का आरोप लगता था, यूपीए की सरकार थी, हम भी उस पर आरोप लगाते थे। थोड़ा करेक्शन, अभी आपके पास भी आ रहा हूं, रुकिए, आप थोड़ा इंतजार तो करिए, आप अभी इंतजार करिए। माननीय सभापति जी, मेक योर पॉइंट। 2009 और 2014 के बीच इस देश में कांग्रेस के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार थी कि मैं कहूं तो इस देश के इतिहास में सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार के किसी पर आरोप लगे वो 2009 से 14 के बीच में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की जो सरकार थी उस पर आरोप लगे। मेक योर पॉइंट। लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और पूरे समय 5 वर्ष तक लगातार घोटालों की चर्चा होती रही, और उसके बाद इस देश में भ्रष्टाचार को लेकर एक आंदोलन हुआ, और वो जब आंदोलन हुआ,
जंतर मंतर पर वो आंदोलन हुआ। अन्ना हजारे जी, मैं उसी पे आ रहा हूं, भूमिका अभी अभी रुकी आप, अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में वो आंदोलन हुआ और कुछ आंदोलनजीवी उस भ्रष्टाचार के आंदोलन के खिलाफ, जिन्होंने इस देश के दामाद पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, इस देश के दामाद पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, और वो दामाद कौन है आप अच्छी तरीके से जानते हो, और वो आरोप हमने नहीं लगाया, वो आरोप जो आज आम आदमी पार्टी और जो उसके नेता है उन्होंने लगाया था, और आज आरोप लगा के गलभाई करके साथ साथ बैठे हैं आप, ये आरोप हमने नहीं लगाया था। आज यहाँ पर हमारे दोस्त तिरछे सिवा यहाँ नहीं है, हमारे मित्र तिरछे सिवा यहाँ नहीं है। तिरछे सिवा जी आप ध्यान रखिए, तिरछे सिवा जी टू जी का आरोप, ऑनरेबल मेंबर किसने लगाया उस पे आरोप, ऑनरेबल मेंबर यू डोंट हैव टू एड्रेस देम, ऑनरेबल मेंबर बिल्कुल कंफाइन टू डेकोरम, एड्रेस टू द चेयर, प्लीज एड्रेस टू द चेयर। आई डोंट, मुझे नहीं लगता माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण हो सकता है, एक सेकंड हो सकता है कि मेरा चेहरा बहुत आकर्षक न हो, नहीं नहीं है सर, पर नियम की आवश्यकता है कि मेरे को देखकर आप बात कहिए। सर अगर आपका चेहरा नहीं देखूंगा तो मैंने कहा है आई एम अ वेरी गुड ऑथेंटिक रिफ्लेक्टर, ये पूरी पहुंचेगी, इधर देखिए। माननीय सभापति जी बोलिए, माननीय सभापति जी उस समय कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो सरकार थी उसमें जो मंत्री थे वो डीएमके के थे, और उनपे आरोप किसी और ने नहीं लगाया था, उनके खिलाफ अगर पीआईएल किसी ने डाली थी इधर तो पीआईएल डाली थी आम आदमी पार्टी के जो नेता है उन्होंने पीआईएल डाली थी। आज साफ साफ बैठे गोल घोटाले में किसने पीआईएल डाली थी, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन पीआईएल किसने डाली वो और किसी ने नहीं डाली थी, तो आम आदमी पार्टी के जो नेता है उन्होंने पीआईएल डाली थी। ये है आपका चेहरा, और आज सभापति जी और आज इधर हमारे मित्र ऑनरेबल मेंबर, मैं लालू जी का बहुत सम्मान करता हूं, मेजर पॉइंट सर, अच्छा होगा हमारे मित्र झा साहब जब बोले तो 2011-12 की बात, 13 एक बिल आया था लोकपाल का, मुझे ध्यान है 13 में आया था, जो 2013 में जो बिल आया था उसमें अगर आप आम आदमी पार्टी की सच्चाई जो वर्तमान नेता हैं और आज जो आंदोलन जीवी हैं अगर उनके बारे में उनके विचार सुन लिया होते तो आज आप इनके साथ नहीं बैठे होते। माननीय सभापति जी अरे शांति, माननीय सभापति जी ऑनरेबल मेंबर एड्रेस टू द चेयर, माननीय सभापति जी 2000 जब ये आंदोलन चल रहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी के जो आज नेता है
उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी, उस भ्रष्टाचारियों की लिस्ट में उस समय की यूपीए की जो सरकार है उसके 8 मंत्रियों के नाम थे। और ये आरोप हमने भी लगाया था, ये आरोप किसी और ने भी लगाया था, ये आरोप लगाया था उस समय के आंदोलन जीवी जो कहते हैं उन लोगों ने उससे तत्काल यूपीए की जो सरकार है उसके मंत्रियों पे लगाया। सभापति जी, केवल मैं एक तरफ देके नहीं दिया, सिर्फ मैं ये जिक्र इसलिए किया कि आखिर इस बिल को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में मैंने बात किया। आपको भी पढ़ा रहे हैं माननीय सभापति जी, उस आंदोलन के बाद वो आंदोलन ने खत्म हुआ और एक नई पार्टी का जन्म हुआ, और उस नई पार्टी का जब जन्म हुआ तो उसके नेता उस समय जो अब नेता हैं उनके, उन्होंने एक बात कही थी और आश्चर्य की बात है कि बच्चों की भी कसम खाई थी। और बच्चों की कसम खा के ये कहा था कि मैं कभी जीवन में कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करूंगा। क्या हो गया? ये खाई थी कसम। और इसके बाद हुआ क्या? उसके बाद मोदी प्रदेश की जनता ने उन पे विश्वास किया, उनको अभी नहीं, उनको उनको रहेंगे, छह में रहेंगे, आपको तकलीफ क्या हो रही है? कांग्रेस में कभी नहीं आऊंगा, किसी में जाएंगे कांग्रेस में नहीं आएंगे। मिस्टर लीडर ऑफ द हाउस, अरे कोई नहीं, पर आराम से कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड। चेयरमैन साहब, प्रदेश की जनता ने उन पर विश्वास किया और उन्होंने वादा किया था कि मैं भ्रष्टाचार को जड़ से निपटा, बहुत से वादे भी उन्होंने किए, प्रदेश की अपेक्षाएं भी थी। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, पूरी दुनिया के लोग यहां आते हैं, और उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देगी। लेकिन आज दुर्भाग्य से आज मुझे कहना पड़ रहा है कि भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार में उनका आधा मंत्रिमंडल जेल में जरूर चला। और वादा, और आखिर इसकी जरूरत क्यों है? ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र रहना क्यों चाहिए? सभापति जी, जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, और महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए इस पूरे दिल्ली के क्षेत्र में सीसीटीवी लगाने का काम करेंगे। लेकिन आज तक सीसीटीवी नहीं लगे, यहाँ महिलाओं को आज असुरक्षित। और जब कोई घटना घटती है, जब कोई आरोप घटना घटती है तो इसकी जिम्मेवारी वो, क्योंकि पलटने में बहुत बड़े पलटीवाल हैं, वो पलटने में बड़े माहिर हैं, वो तुरंत पलट जाते हैं, कहते हैं मुख्यमंत्री तो मैं हूँ, महिलाओं की सुरक्षा साल है वो गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी। कंक्लूड नाउ, कंक्लूड। और इसके बाद उन्होंने लास्ट वन मिनट वादा किया कि 30,000 बेड हम यहाँ बढ़ाएंगे। सर, जब कोविड आया, ये क्यों जरूरी है ये केंद्र शासित प्रदेश, जब कोविड आया, जब ऑक्सीजन की कमी इसमें पड़ी तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माने गए, इस देश के गृह मंत्री ने जाकर इस हॉस्पिटल जाकर व्यवस्थाएं देखी और ऑक्सीजन की व्यवस्था इस प्रदेश की जान बचाने का काम अगर किसी ने जिम्मेवारी उठाई तो दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, इस देश के गृह मंत्री ने कुछ जाकर उठाने का काम किया। थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू। अभी इसके बाद अभी एक 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 बात कहकर सर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। हमारे चले गए हमारे राघव जी, वो कह रहे थे कि गृह मंत्री जी ने प्लीज कंक्लूड नाउ पार्टी का है, सुपारी पार्टी प्लीज कंक्लूड नाउ सर एक लास्ट में हाफ अ मिनट सुपारी पार्टी का है